गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तब हम आ जाते हैं वर्तकोरक के चैप्टर नंबर 8 पे, जिसको बोलते हैं हम पश्चध्रुवीकरण या फिर पश्चध्रुवीकरण पदार्थ। रेट्रोफिटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे और रेट्रोफिटिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस चैप्टर एक्चुअली दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, पहला रेट्रोफिटिंग क्या होता है और दूसरा रेट्रोफिटिंग मटेरियल के बारे में क्या होता है। तो जैसे कि हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में ये बताया कि रेट्रोफिटिंग क्या होता है, तो भूकंप की दृष्टि से कमज़ोर क्षतिग्रस्त कमज़ोर बिल्डिंग्स या फिर क्षतिग्रस्त बिल्डिंग, ठीक है, या फिर पूर्व निर्मित जो संरचनाएं होती हैं उनकी मरम्मत के लिए जो विधि अपनाई जाती है, ठीक है, या उनको सुरक्षित बनाने की जो तकनीक होती है वो हमारा रेट्रोफिटिंग कहलाता है। ठीक है, अब कोई बिल्डिंग अगर भूकंप से किसी भी प्रकार से वो क्षतिग्रस्त हो गई हो या कमज़ोर हो गई हो, तो उसको जो रिनोवेट करने की विधि होती है वो रेट्रोफिटिंग कहलाता है। यह मेनली दो कैटेगरीज में होता है। पहले में ऐसी संरचनाएं आती हैं जो भूकंप सुरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी प्रावधान किए गए हों, जिनमें जिनको BIS या फिर IS कोड के थ्रू उनका गाइडलाइंस का ध्यान रख के बनाया गया हो। और दूसरी ऐसी बिल्डिंग्स आती हैं जो कि काफ़ी पुरानी संरचनाएं होती हैं, जो कि एज के कारण ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, चूँकि बहुत दिन से चलते चलते एज के कारण ख़राब हो जाती हैं या फिर किसी भूकंप के कारण ख़राब हो जाती हैं। तो जो ये हमारा रेट्रोफिटिंग शब्द होता है, इसके दो मतलब होते हैं। पहला क्या है, रिपेयर, और दूसरा स्ट्रेंथिंग। इसका पहला मतलब होता है कि मरम्मत करना और दूसरा होता है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, तो इसकी कुछ निम्न आवश्यकता, जैसे क्या है, जो भूकंप से क्षतिग्रस्त भवन होते हैं उनके लिए हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। भूकंप उपयोग में परिवर्तन के कारण उपयोग इसका कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। भूकंपीय जोन का अगर उच्चीकरण करता है कोई बिल्डिंग, भूकंप जोन 2 में है या भूकंप जोन 2 में था उसको 3 में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस बिल्डिंग को कुछ अपग्रेड करके हम चेंज कर सकते हैं। अभिकल्पन तकनीकी में उधार कर सकते हैं, ठीक है ना। अभिकल्पन तकनीकी में उधार करने का सेंस ये है कि अगर कोई बिल्डिंग हमारी किसी ओल्ड टेक्निक से बनी है तो हम उसको न्यू टेक्निक से बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है किसकी, फिलॉसफी की, ठीक है ना, इसकी फिलॉसफी की बात आती है, तो फिर हम कुछ चीज़ें इसमें भी देख लेते हैं। एक सेकंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तब इसके बाद आती है फिलॉसफी की बात आती है, तो जो साधारण भूकंप होता है, ठीक है, इसकी दो फिलॉसफी होती है। जो साधारण भूकंप होता है, ठीक है, वो जो संरचना होती है वो भूकंप में क्या होती है, पूर्णतः सुरक्षित बनी रहती है। और दूसरी ये आती है जो मध्यम भूकंप होता है उनमें क्या होता है, उनमें हल्की फुल्की क्षति भवन में आ ही जाती है, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक आता है कि जो रेट्रोफिटिंग होती है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल ये है, भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं का ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए, भूकंप में क्षति को नोट कर लेना चाहिए, पहला स्टेप। दूसरा, जो रेट्रोफिटिंग का कार्य है ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना चाहिए, मतलब पहले क्या होगा बाद में क्या होगा इसका ध्यान रखना चाहिए। जो संरचना का महत्व है इसको ध्यान में रखना चाहिए। संरचना के पुराने व भूकंप से क्षतिग्रस्त जो घटक हैं उनकी मरम्मत करनी चाहिए और इनकी संधि जो होती है इनकी संधियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है कि रेट्रोफिटिंग के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। तो पहला स्टेज ये है कि जहाँ पे पहले मामूली या हल्की फुल्की क्षति हुई है हम उनकी मरम्मत करें। दूसरा आता है अधिक क्षतिग्रस्त वाले भवनों को अधिग्रहण करना, ठीक है, जो मतलब भवन ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं या जो ज़्यादा क्षतिग्रस्त वाले स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हम पहले मरम्मत करें। और तीसरा आता है यदि संरचना रेट्रोफिटिंग के लायक नहीं है तो हम उसको क्या करें, उसको हम रिकंस्ट्रक्शन करें, उसका हम दोबारा यूज करें। अब बात आती है रेट्रोफिटिंग के कुछ टेक्निक्स के बारे में। तो ये टेक्निक्स दो तरह की चीज़ों में डिवाइड होती है। पहले क्या होती है, ध्रुवीकरण। अगर कहीं पे बिल्डिंग बन गई है और उसमें रेट्रोफिटिंग करना है तो हम किस तरह करेंगे, और एक होता है निर्माण करना या फिर हम स्टार्टिंग से रेट्रोफिटिंग बना रहे हैं। तो अगर हमारी बिल्डिंग बन चुकी है तो उसके बारे में हम स्लैब की जैकेटिंग कर सकते हैं, मतलब स्लैब के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जैकेटिंग कर सकते हैं, बीम की जैकेटिंग कर सकते हैं और कॉलम्स की जैकेटिंग कर सकते हैं। बीम कॉलम स्लैब की जो कॉर्नर्स होते हैं, जो संधि होती हैं, जो इंटरसेक्शन होता है, जो उसका नोडल पॉइंट होता है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारा सुधार कर सकते हैं। जो उसकी फाउंडेशन होती है हम फाउंडेशन को अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा सुधार कर सकते हैं। और अगर हम बाय द वे नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम सीयर वॉल का प्रयोग करें, इनफिल्स वॉल का प्रयोग करें, उस बिल्डिंग में हम हर जगह पट्टियाँ लगाएं, उसमें बैंड्स का प्रयोग करें, ड्रेसिंग्स का प्रयोग करें, उसका जो मास है मास रिडक्शन टेक्निक्स को अडॉप्ट करें। उसके बाद जो आता है बेस आइसोलेशन सिस्टम आता है, बेस आइसोलेशन का भी हम प्रयोग करें। अब
रेट्रोफिटिंग के चैप्टर में दूसरा पार्ट आता है कि हमारा पश्चिद्रीकरण का जो पदार्थ होता है वो क्या क्या पदार्थ यूज होता है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है कि जो मरम्मती पदार्थों के वर्ग होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आ जाता है। तो जो कमज़ोर संरचनाएं होती हैं उनके मरम्मत के लिए पदार्थ में बहुत सारे तरह के अलग अलग तरह के पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जैसे कि कुछ रेजिन्स होते हैं, कुछ अलग से एडमिक्सर्स आते हैं, ठीक है। तो ये निम्न तीन वर्गों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है ग्राउट्स होता है, ठीक है। ग्राउट्स में क्या होता है, इनमें गाढ़े तरल पदार्थ आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये धातु की नलिका से प्रभावित होते हैं। और ये क्या होता है, ये जो दरार्स होती हैं, हल्की फुल्की दरार्स होती हैं, ये उनको भरने के काम में आता है। इससे जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो ग्राउट्स होते हैं वो कई प्रकार के ग्राउट्स होते हैं, जैसे कि हमारा एक सीमेंट आधारित होता है और दूसरा होता है पॉलीमर। तो अगर हम सीमेंट की बात करें तो पहला होता है सीमेंट बालू का घोल हम यूज़ कर सकते हैं, गैस जनित घोल का, रेशा प्रबलित घोल का यूज़ कर सकते हैं, और शल्फो एलुमिनेट ग्राउट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा होता है बॉन्डिंग एजेंट। बॉन्डिंग एजेंट में जो पुरानी व नई कंक्रीट होती है, ठीक है, इनके लिए हम क्या करते हैं, जो छड़ों होते हैं, छड़ों में अभिलाख बनाने के लिए मुख्य विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इनमें हम एडेशन का कोटिंग करते हैं, ठीक है, एडेसिव पदार्थ का कोटिंग करते हैं, जैसे इपॉक्सी हो गया, एक्लिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया, पॉलीयूरीन हो गया। इससे क्या होता है, जो हमारी बार्स होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं, ठीक है, उनमें करोजन की काफ़ी कम संभावना होती है। अब आगे बात आती है कि जो सरफेस होती है उसकी बॉन्डिंग के लिए क्या करें। सरफेस की बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए सरफेस में हम जो कंक्रीट की सतह होती है उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, और उसके ऊपर पेंट के भांति हम इपॉक्सी, एक लेप होता है, इपॉक्सी लेप हम लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर हम क्या करें, कंक्रीट की एक सतह लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जैकेटिंग क्या होता है, रिप्लेसमेंट एंड जैकेटिंग मटेरियल। तो क्षतिग्रस्त संरचना के पुराने पदार्थों को हटा कर उसके स्थान पर नए या टिकाऊ पदार्थ लगाना ही प्रतिस्थापन या फिर रिप्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब आता है शॉर्टक्रीटिंग या फिर गट्टिंग, ये क्या होता है। तो सीमेंट मसाले की मशीन को उच्च दाब यानी कि 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतने के प्रेशर पर जेट आगे से उसके मशीन में क्या होता है, जेट होता है। जेट से हम किसी सरफेस पे फेंकते हैं उसको, ठीक है, किसी सरफेस पे फेंकते हैं जिससे दरारें, फटे हुए पार्ट्स या फिर गड्ढों का हम क्या करते हैं, भरने का काम करते हैं। यह हमारा प्रोसेस शॉर्टक्रीट कहलाता है, ठीक है। यह मेनली हाई राइज बिल्डिंग में ही प्रयोग किया जाता है, हाई राइज के अलावा और भी बिल्डिंग्स में इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये मेनली बिल्डिंग को अर्थक्वेक बनाने के लिए काम में आता है, जैसे कि हमारा बेस हो गया, अगर हमको पार्किंग के लिए बेस बनाना है या फिर किसी भी चीज़ के लिए बेस बनाना है तो हम मिट्टी पे अपना बेस चालू करते हैं, ठीक है। तो उस क्या होता है, उसके किनारे किनारे हम बार्स प्रोवाइड करके हम वहाँ पे शॉर्टक्रीटिंग कर देते हैं। इससे जो हमारी मिट्टी की लेयर होती है वो क्षण के साथ काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक। अब आगे आता है कि पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार कंक्रीट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें हम पॉलीमर्स का प्रयोग करते हैं। पॉलीमर एक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। ये पॉलीमर क्या होते हैं, इनकी एज बहुत ज़्यादा होती है और ये किसी भी टेम्परेचर कंडीशन को सस्टेन कर लेते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये मॉइस्चर को भी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिस भी मटेरियल में ये लगते हैं फिर उनकी सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग में भी इनका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अब आगे आता है जैकेटिंग। जैकेटिंग क्या होता है, किसी कमज़ोर संरचना को जो बाहर से कमज़ोर हो गई हो, ठीक है, उस संरचना को हम क्या करते हैं, पदार्थ की पट्टिया मढ़कर या फिर बाहर से उसके कोई मटेरियल लगा के उसकी जैकेटिंग करते हैं। यह प्रोसेस हमारा जैकेटिंग कहलाता है। इसमें धातु की प्लेट, रबड़, प्लास्टिक, कंक्रीट, इपॉक्सी, ठीक है, अन्य चीज़ों को हम क्या करते हैं, का प्रयोग करके हम बाहर से उसको मजबूत करते हैं, ठीक। आगे आता है फाइबर रेइंफोर्समेंट प्लास्टिक क्या होता है। तो जैसे आप जानते हैं फाइबर रेइंफोर्समेंट कंक्रीट के बारे में, ठीक है, उस तरह हम क्या करते हैं, प्लास्टिक्स कुछ होते हैं, जैसे हमारा विनाइल हो गया, एस्टर हो गया, इपॉक्सी हो गया, रेजिन हो गया, और हमारे जो फाइबर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों की जो एक कैटेगरी होती है वो प्लास्टिक के कैटेगरी में आता है। तो अगर हम इस प्लास्टिक को एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज करें तो वो हमारा कहलाता है फाइबर रेइंफोर्समेंट प्लास्टिक कहलाता है, ठीक है।
कभी कभी ये कार्बन और ग्लास का भी यहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इसकी एक चादर होती है, इसकी सीट होती है, जो इस्पाती छड़ों के साथ प्रयोग किया जाता है। और हम आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, ये जो हमारे बार्स होते हैं इनसे 10 गुना ज़्यादा मजबूत होते हैं, 2 से 10 गुना ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसी चैप्टर में पार्ट सी की बात आती है। ठीक है, पार्ट सी में हम रिपेयर्स के बारे में बताएं कि जो दरार हमारी होती हैं, हम दरारों की मरम्मत किस तरह करें। तो सबसे पहले आता है जो सबसे महीन दरार होता है, उससे कोई हमको ज़्यादा ख़तरा नहीं होता है, परंतु फिर भी हम क्या करते हैं, उसको पुताई करके और उसके अंदर हल्की सी मटेरियल भर के हम उसको बंद कर देते हैं, जैसे इपॉक्सी रेजिन आदि से हम क्या करते हैं, उस पर प्रेशर कर देते हैं, गंटिंग करके उसको बंद कर देते हैं। अब बात आती है कि अगर दरारें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हैं तो उसको क्या करें, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, नुकीली औजार से 6 मिलीमीटर चौड़ाई में और 10 से लेकर 20 मिलीमीटर गहराई में हम उसको क्या करते हैं, खुरच लेते हैं। खुरचने के बाद हम उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद पानी छिड़क देते हैं। उसके बाद अब दरारों में हम क्या करते हैं, सीमेंट चूरा बालू का 1:2:9 के रेशियो में हम उसमें क्या करते हैं, अच्छे तरीके से जल मिला के हम उन दरारों में भर देते हैं। ठीक है, दरारों में भरने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उन दरारों को छोड़ देते हैं, फिर हम टाइम टाइम पे उसकी क्योरिंग करते रहते हैं। तो पहला तो तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये आता है, क्रैक स्टिचिंग ऑफ फॉल्स क्या होता है, दरारों की टाँकागिरी क्या होती है। तो जैसे कि अगर हमारी कहीं बाड़ी फट गई है तो हम बाड़ी को क्या करते हैं, सुई धागे से सी देते हैं, उसको स्टिच कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कहीं पे दीवार में क्रैक आ गई है तो हम दीवारों की भी स्टिचिंग करते हैं। ठीक है ना, ये स्टिचिंग की आवश्यकता तब पड़ती है जब जो क्रैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। तो ठीक है, तो ये क्या है, दीवारों की सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी टाँकागिरी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दरार के दोनों साइड में लंब दिशा में कुछ उचित दूरी पर हम क्या करते हैं, साइड में छेद कर देते हैं और जो हमारा इस्पात होता है उसको हम सी सेक्शन बना के उसमें क्या करते हैं, अच्छे से मटेरियल भर के मसाला लगा के हम उसको उसमें फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसको हम डॉग डावल कहते हैं। ठीक है, डॉग डावल हम क्या करते हैं, बार्स का एक डावल बना लेते हैं सी सेक्शन टाइप का, उसको हम डॉग डावल करते हैं, उसको उसमें हम अच्छे से फंसा के फिक्स कर देते हैं। ठीक है, आगे आता है रिपेयर टेक्निक फॉर डैमेज कंक्रीट सर्फेस। अगर किसी कंक्रीट की सर्फेस डैमेज हो गई है तो वहाँ पर कौन सा टेक्निक अपने अडाप्ट करें। तो सबसे पहले आता है कि क्षतिग्रस्त भाग को हम क्या करते हैं, छैनी से निकाल के उस सतह पे हम क्या करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग करते हैं। सबसे पहले बालू छिड़कते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीमेंट बालू कंक्रीट का मिक्सचर 1:2:4 के रेशियो में लेके अच्छी तरह हम क्या करते हैं, उसको भर देते हैं। भरने के बाद हम क्या करते हैं, उसको 8 या 10 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर क्वेरिंग करते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो मजबूत हो जाता है फिर वो फिर क्या होता है, अपना स्ट्रेंथ वो पूरी तरीके से गेन कर लेता है। ठीक है, अब बात आती है कि जो क्षतिग्रस्त कमज़ोर या फिर सीलन ग्रस्त जो दीवार है उनका उद्धार किस तरह किया जाए। तो अगर दीवारों का जो प्लास्टर है वो ख़राब हो चुका है तो हम उसको क्या करते हैं, छैनी से काट के निकाल देते हैं, और जो ग्राउटिंग वाला सतह होता है उसको प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 2 से 4 मीटर में हम छिद्र कर लेते हैं, और छिद्रों में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के सॉफ्ट ठोक लेते हैं। उसके बाद चारों तरफ हम क्या करते हैं, पॉलीमर का मसाला लगा देते हैं और उसमें सीमेंट घोलों को बंद कर देते हैं। फिर उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इपॉक्सी रेजिन पॉलीमर आदि चीज़ों को हम इंजेक्ट कर लेते हैं, इससे उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथ करने के बाद हम उसकी भी क्या करते हैं, पूरा एक सीमेंट का लेयर लगा देते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि अगर हमारी कोई बार्स बिल्डिंग में ख़राब हो गई है तो हम उसके लिए क्या करें। तो अगर बार्स ख़राब हो जाती है तो इन्हें अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं, और 15 से 20 सेंटीमीटर मोटाई में हम क्या करते हैं, 1:2 के रेशियो में हम सीमेंट का प्रलेपन करते हैं। यदि जो छड़े हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गई हैं तो हम सिंपल सी तरीका है, उसको छैनी से काट के निकाल लेते हैं और सेम उसी के स्थान पे उतने ही डाया बार का हम क्या करते हैं, नए बार्स को वेल्ड कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरह क्या करते हैं, जो कैविटी जो खाली स्थान बन गया है उसमें सीमेंट बालू मसाला 1:2 के रेशियो में लेके या 1:2:4 के रेशियो में लेके हम उसको क्या करते हैं, अच्छे तरीके से भर देते हैं और कंक्रीट को सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। कंक्रीट के सेट होने के बाद हम क्योरिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो सतह होती है वो पूरी तरीके से अच्छी हो जाती है। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म होता है। अब चैप्टर नंबर 8 में मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको गोल्ड से करवा देता हूँ। तो अभी तक तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था और बाकी मैं 10-15 मिनट आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। ठीक है,